निवर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने कहा कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी व बाइक के उपयोग को बढ़ावा जरूरी देना। इलेक्ट्रिक स्कूटी व बाइक शोरूम का MLA वीरेंद्र गुप्ता व गरिमा सिकारिया ने किया उद्घाटन। तो आइए देखते हैं बिहार प्रभारी आफ्ताब रोशन की खास रिपोर्ट। नगर निगम क्षेत्र के छावनी मोहल्ले में स्थित रॉयल कॉलोनी में गुरुवार दीपा इंटरप्राइजेज के समारोह पूर्वक शुरुआत की। सिकटा के विधायक वीरेंद्र गुप्ता व नगर निगम की निवर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने संयुक्त रूप से फीता काट कर शोरूम का उद्घाटन किया। कोमकी इलेक्ट्रिक स्कूटी व बाइक के इस शोरूम में MLA वीरेंद्र गुप्ता व गरिमा सिकारिया ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर समारोह की मुख्य अतिथि सिकारिया ने कहा कि आज के पर्यावरण संकट के अतिरिक्त लागत वायु प्रदूषण पर कारगर नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी व बाइक के उपयोग को बढ़ावा देना आज के समय की एक बड़ी ज़रूरत है। वहीं वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि पेट्रोल की बेतहाशा महंगाई के बीच इलेक्ट्रिक दोपहिया और अन्य वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को इनके निर्माण व बिक्री में और रियायत देनी चाहिए। मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी इसमें जगन्नाथ जी को। और आज ऐसा देखने में आ रहा है कि यहाँ पे बाइक और स्कूटी दोनों का इन्होंने लॉन्च किया है और बैटरी ऑपरेटेड है सबसे पहली बात तो। और आज के समय में जहाँ हम देख रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल इतना महंगा होते जा रहा है कि और ख़ास तौर से पोल्यूशन से बचने के लिए भी हमें ज़रूरी हो गया है कि हम इस सुविधा को अपनाएं, तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि आज हमारे ज़िले में भी बैटरी ऑपरेटेड बाइक स्कूटी मिल रहे हैं। और ख़ास तौर से ये है कि जो सुविधा जो यूजेज हम बाइक का यूज़ पेट्रोल और डीजल बाइक का यूज़ करते हैं वही सेम चीज़ इसमें भी मिल रही है। आपको माइलेज भी मिल रहा है, साथ में मेंटेनेंस फ्री भी मिल रहा है, साथ में क्या है चार्जिंग। अब नया कंसेप्ट ऐसा आ रहा है कि नगर निगम क्षेत्र में अब नए जगह जगह चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे, क्योंकि ऑटो रिक्शा भी जो होते हैं आजकल बैटरी ऑपरेटेड हो गए हैं, रिक्शा भी हो गए हैं और बाइक और स्कूटी भी आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि चार्जिंग स्टेशन बनाना, तो ये हम लोगों का एक मोटिव भी है कि हम लोगों को चार्जिंग स्टेशन बनाना है और ख़ासतौर से ऐसे जहाँ पर ये ऐसी बाइक चल रही है उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराना। और इनके द्वारा पता चला है मुझे अभी कि लिथियम बैटरी ऑपरेटेड है, ये 3 घंटे में चार्ज हो जाती है तो बहुत अच्छा माइलेज देती है। और आप जिस तरीके की सुविधा आप अपने डीजल और पेट्रोल बाइक से लेना चाहते हैं इसमें मेंटेनेंस फ्री आप 5 साल बहुत आराम से इसे चला सकते हैं। तो मैं इन सबों को धन्यवाद देना चाहूँगी और बेहतर भविष्य के लिए ज़रूरी है पॉल्यूशन।